टे व राइटर ऑफ रेस्टोरेशन एजर्मी कोलर जर्मी कोलर ओके तो मेरी वीडियोस आप सिक्वेंशली देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा की इंग्लिश लिटरेचर की ग्रोथ कैसे हो रही थी तो लेट एस स्टार्ट जर्मी कोलर ही वॉज ए पेम्पलेट राइटर दिस राइटर ट का मतलब होता है पुस्तिका बुक जो छोटी पुस्तिका होती है वीकली uh, मंथली वो वाली वो लिखते थे ही रोड एस एस इन दैट क्या लिखते थे ही रोड एस एस इन दैट इन सिक्सटीन फोर्टी सेवन ए लॉ वॉज पासड टू पनिश एनी बड़ी टू पार्टिसिपेट इन ड्रामा जो भी पार्टिसिपेट करते थे ड्रामा उसमें उनको पनिश करने के लिए 1647 में एक लॉ पास हुआ था थिएटर्स वॉज कंसिडर इमोरल थिएटर्स को उस टाइम पे इमोरल कंसिडर कर दिया गया था इमोरल का मतलब होता है एनेथिक कंसिडर कर दिया गया था एंड फॉर ए पीरियड ऑफ 18 इयर्स

Act on the stage and this seems to shock to the people. तो जब चार्ल्स टू आई उन्होंने थिएटर्स रीओपन करवाया और वहाँ पे वुमेन जो एक्टिंग करती थी मोस्टली प्रोस्टिट्यूट जो वैश्य होती है उनको एक्टिंग करने के लिए उन्होंने अलाउ किया था उसके वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी अचंबा हुआ था ही रोड पैम्पलेट्स और उन्होंने फिर पैम्पलेट लिखी से थिएटर्स उन्होंने एक जो लिखा था वो मैं आपको बता देती हूँ थिएटर्स आर स्प्रेडिंग वाइज एंड ही एबल टू शो केज द कॉन्ट्रोवर्शियल फ्रेम विच वॉज गोइंग बिटवीन द लाइक माइंडेड प्यिटिन एंड द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट तो दिस वॉज द लाइन सेट बाय जर्मी कूलर ये लाइन थी जो जर्मी कूलर ने बोला था एंड दैट पेम्पलेट रिटर्न बाय जर्मी कूलर इज नोन एज शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोटैलिटी एंड शॉर्ट व्यू ऑफ दलिटी एंड प्रोफिलनेस ऑन इंग्लिश स्टेज तो आपको याद रखना है ओके okay? ये इनकी पैम्पलेट जो फेमस जो पैम्पलेट था उसकी उसे बोला जाता था शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टैलिटी इमोर्टैलिटी का मतलब होता है अमरता जो मरता नहीं एंड प्रोफेलनेस ऑन इंग्लिश स्टेज एंड दिस इज एन एंटी थिएटर पैम्पलेट ये थिएटर के खिलाफ एक पैम्पलेट था ओके द पेम्पलेट रिटर्न इन ऑर्डर टू कंडेम ड्रामा कंडेम स्टेज एंड ही सेड थिएटर शुड बी बैन एंड सच ड्रामा शुड नॉट बी परफॉर्म ऑन स्टेज उन्होंने बोला था कि थिएटर बैन होने चाहिए और इस टाइप के ड्रामा परफॉर्म नहीं किए जाने चाहिए स्टेज पे ही अटैक ए नंबर ऑफ प्ले राइट्स इन द इन दिस पैम्पलेट नेमली उन्होंने बहुत सारे प्ले राइट्स को इसमें अटैक किया था और उनका नाम था जॉन वन

वो बोलते थे कि रेस्टोरेशन पोएट्री में पोइटिक जस्टिस नहीं है गुड पीपुल आर रिवॉर्डेड एंड बैड पीपुल आर पनिश्ड एट द एंड ऑफ द प्ले

ठीक है तो पैम्पलेट्स वॉज स्टार्टेड आफ्टर जर्मी कूलर पब्लिश शॉर्ट व्यू ऑफ द एंड ऑन इंग्लिश स्टेज तो स्टार्ट हुए थे जर्मी कूलर के ये पब्लिश करने के बाद में ओके तो वो काफी ज्यादा इन्होंने you know, क्रिटिसाइज किया है इसमें शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टेलिटी एंड प्रोफेनिस ऑन इंग्लिश स्टेज में राइटर्स को एंड सेकेंड पैम्पलेट्स वॉज पब्लिश बाय जॉन डेनिस जॉन डेनिस ने सेकेंड पैम्पलेट पब्लिश किया है जिसका नाम है यूजलेसनेस ऑन ऑफ स्टेज सेकेंड पैम्पलेट वॉज पब्लिश बाय जॉन डेनिस यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड द नेम ऑफ द पेम्पलेट इज यूजफुलनेस ऑफ स्टेज तो इन्होंने यूजफुलनेस दिखाया स्टेज का एंड नेक्स्ट पैम्पलेट वॉज रिटर्न बाय जॉन वेनबर्ग फिर इन्होंने भी जॉन वेनबर्ग जो जिसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने फिर से लिखा और इन्होंने लिखा शॉर्ट वेंडिकेशन ऑफ द रिलैप्स एंड प्रोवोक्ड वाइफ फ्रॉम इमोर्टैलिटी एंड प्रफे तो इन्होंने भी फिर जर्मी कूलर के खिलाफ लिखा एंड जर्मी कूलर वॉज ए क्लर्जी वो एक क्लर्जी थे एंड इन द प्ले ऑफ जॉन वनवर्क क्रिटिसाइज क्लर्जी और फिर जॉन वन वर्क जो थे उन्होंने जो क्लर्जी मैन होते हैं उनको क्रिटिसाइज किया इनडायरेक्टली टू जर्मी कूलर वो जर्मी कूलर को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहे थे ओके तो ये आपको याद रखना है एंड विलियम कॉन्ग्रिव ने भी फिर उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था विलियम कांग्रिव तो इन्होंने भी फिर उसके खिलाफ लिखा रोड अमेंडमेंट्स ऑफ मिस्टर कूलर फॉल्स एंड इम परफेक्ट सिटेशन तो इन्होंने भी उनके खिलाफ लिखा तो ये आपस में इनका झगड़ा चल रहा था पैम्पलेट्स के थ्रू तो ये आपको याद रखना है जर्मी कूलर ने इसको ट्स के थ्रू एक जो ये लिखा था ये आपको ये बहुत बार पूछा जाता है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर दिस शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टैलिटी एंड प्रोफेलनेस ऑन इंग्लिश स्टेज तो इस इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं लेट एस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन इज जर्मी कूलर शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोटैलिटी एंड प्रोफेनस ऑन इंग्लिश स्टेज अटैक ऑन होम किसके ऊपर अटैक कर रहे थे तो आंसर में आपके बहुत सारे नया नाम होंगे तो उनमें से आपको इन पांचों में से किसी का भी नाम दिखे तो आपको आंसर टिक करना है ओके okay? तो ये होगा विलियम कॉनग्रीव तो इन सब के ऊपर उन्होंने अटैक किया है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टैलिटी एंड प्रोफेक्टनेस ऑन इंग्लिश स्टेज इज किसने लिखा है ये द आंसर इज जर्मी

थिएटर तो कोर्सनेस एंड अगलीनेस जो वहाँ पे फैला हुआ था रेस्टोरेशन uh, एज के थिएटर्स में तो उसके ऊपर ही अटैक कर रहे थे क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट को भी अलाउड कर रहे थे जो चार्ल्स टू थे तो वो इनको मंजूर नहीं था द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्मी कूलर अटैक सीवियरली ऑन होम किसके ऊपर सबसे ज्यादा इस पेम्पलेट पर पे अटैक किया गया है तो ये दो राइटर्स है विलियम कॉन्ग्रेव एंड जॉन वेनबर्ग दिस टू राइटर्स ये दोनों राइटर्स के ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज किया है इन दोनों राइटर्स को ओके okay, तो ये आपको याद रखना है तो दैट्स ऑल फॉर जर्मी कूलर ये एक शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे और ये पांच नाम ही आपको याद रखना है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल ईजिली आपका क्रैक हो जाएगा एग्जाम तो नो नो टू एक द नेक्स्ट राइटर आज हम करेंगे विलियम डैम्पियर ये बिल्कुल ही शॉर्ट शॉर्ट इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट राइटर्स इनके बारे में लिखा है इनके वर्क्स जो मोस्टली पूछे जाते हैं ज़्यादा डिटेल में पूछे नहीं जाते फिर भी हम हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट का तो हम उसको डिटेल में भी एक एक राइटर्स को फिर से करेंगे ओके तो अभी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ और ये आपको डिटेल इसकी समझा रही हूँ द नेक्स्ट इज़ वन विलियम डैम्पियर द नेक्स्ट इज़ विलियम डैम्पियर एंड ही वॉज एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर वो एक्सप्लोर थे नेविगेटर थे ही डिस्कवर फ्यू पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के फ्यू पार्ट्स को डिस्कवर किया था ही वॉज़ द वन हु सरकम नेविगेट मतलब गो राउंड एट द पॉइंट ए एंड देन अगेन स्टार्ट ए द वर्ल्ड थ्री टाइम्स तो एक बार ए पॉइंट से निकले फिर वो थ्री टाइम्स ऐसे ही राउंड एंड राउंड उन्होंने जो सरकम नेविगेट किया ही हैज़ डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन नेचुरल नेविगेटर तो उन्हें फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन नेचुरल नेविगेटर भी बोला जाता है तो आपको ये याद रखना है ओके okay? तो इसमें इतना ही जितना आता है वही वो वही वो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका जो वर्क है वो है ए न्यू वोएज अराउंड द वर्ल्ड और वोएज ए न्यू वोएज अराउंड द वर्ल्ड और वोजस ओके तो दिस इज द वर्क ऑफ विलियम डेम्पियर एंड इन डैनियल डोफे जो आगे हम करेंगे राइटर डैनियल डोफे एंड उन्होंने जो लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो वी फाइंड दैट अलोन लोन विथ अलेक्जेंडर सिल्कर ऑलवेज ए हिम वैन विलियम डैम्पियर गो टू वो एलेक्सलकर हमेशा उनके साथ रहते थे जब भी विलियम डैम्पियर वो वॉयज पे जाते थे जैसे रॉबिसन क्रूसो जो डैनियल डोफे ने लिखा है वो एलेक्जेंडर सिल्कर के नाम पर ही लिखा है जो हमेशा विलियम डैम्पियर के साथ वेजस पे जाते थे तो ओके okay? तो ये आपको याद रखना है एंड जॉनिथन शिफ्ट ने भी लिखा है गुलीवर ट्रैवल्स अदर देन गुलीवर हीज ऑल्सो मैंशन डैम्पियर सैम्यूल गुलीवर इज कम्पेयर विद डैम्पियर सेवरल टाइम्स इन द वर्क तो आपको याद रखना है किससे कम्पेयर किया जा रहा है जैसे कि जॉनसन शिफ्ट गुलीवर ट्रैवल्स में भी उन्होंने विलियम डैम्पियर को ही देखते हुए लिखा था द नेक्स्ट इज जो रॉबिनसन क्रूसो है डैनियल डोफे का वो भी उन्होंने उसी को उनके जो साथ में रहते थे एलेक्जेंडर सिल्कर उनके नाम पर ही लिखी है तो ये आपको याद रखना होता है इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है लेटेस्ट डिस्क विलियम डैम्पियर वर्क इज क्वेश्चन इज विलियम डेम्पियर वर्क इज तो आंसर में वॉयजेस भी आ जाता है ठीक है तो आपको वॉयजेस याद रखना है ये एक नेविगेटर थे वोजेस पे जाते थे तो ये ए न्यू वोयज अराउंड द वर्ल्ड भी आ सकता है और वॉयजेस भी आ सकता है तो इस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आया था वोजेस तो विलियम डेम्पियर वर्क इज वॉयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट इज डिस्कस द नेक्स्ट राइटर ऑल्सो जॉन विल मोट द राइटर इज जॉन विलमोट तो जॉनोट वॉज द सेकेंड अर्ल ऑफ रॉचेस्टर अर्ल ऑफ रॉचेस्टर इज ए टाइटल गिवन टू ए पर्सन एक टाइटल होता था जो एक आदमी को दिया जाता था ही वॉज ए पोएट एंड कॉर्टियर ऑफ किंग चार्ल्स टू ऑफ रेस्टोरेशन इज वो एक पोएट थे कोर्टियर थे चार्ल्स टू के ओके

तो इनकी जो राइटिंग है वो आपको याद रखनी है सटायर्स अगेंस्ट रीजन एंड मैनकाइंड ओके अगेंस्ट रीजन एंड मैनकाइंड इसके बारे में पर इस, इसके अंदर है पर्सन हु थिंक्स दैट ही वॉज हैविंग ग्रेट नॉलेज और ही वॉज नॉलेजबल फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट जो ज्यादा घमंड करते हैं कि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है मैं बहुत ही नॉलेजिबुल तो वो कभी कभी ऊंचाइयों से नीचे भी गिर जाते हैं इसलिए बोलते हैं ना मुँह उठा के ज़्यादा नहीं चलना चाहिए ओके okay? तो ये रीजन एंड मैनकाइंड वी शुड नेवर हैव इगो हमारे अंदर कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए न घमंड नहीं आना चाहिए तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि किसने कौन सी राइटिंग लिखी तो क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ सटायर अगेंस्ट रीजन एंड मैनकाइंड इज तो द आंसर इज जॉन विलमोट द आंसर इज जॉन विलमोड तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है और एरिस्टोटल ने बोला था आई थिंक आई एम द ग्रेटेस्ट फूल ऑफ द अर्थ तो उन्होंने ये ये इसीलिए है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए कभी भी घमंड करके नहीं चलना चाहिए कोई आपको समझा रहा है तो आप ज़ीरो से सुनो तो आपको अच्छे से समझ में आता है अगर आपको लगेगा कि नहीं ये भी ठीक नहीं है वो भी मुझे तो याद है वो आता है तो आप गिर सकते हो ओके तो द ने नेक्स्ट राइटर इज थॉमस रेमर द नेक्स्ट राइटर आज हम फोर राइटर्स करेंगे बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं इनके ऊपर इसलिए मैं आज फोर राइटर्स एक ही वीडियो में आपको करवा रही हूं द नेक्स्ट इज थॉमस रेमर ओके एंड ही इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंच न्यू इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंच न्यो एंड थॉमस मकेले ने उनके बारे में सैड क्रिटिसाइज थॉमस रेमर सैड दैट उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था थॉमस रेमर को एंड ही सैड दैट ही वॉज द वर्स्ट क्रिटिक दैट एवर लिव ये एक सबसे वर्स्ट मतलब बेकार क्रिटिक जो अब तक इस धरती पे हुए हैं तो ठीक है तो ही वॉज द वर्स्ट क्रिएटिक दैट एवर लिव तो उन्होंने उनको मकाले ने बोला था कई बार पूछा जाता है कि किसने किसके बारे में क्या बोला था तो यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो तो इनका वर्क कर लेते हैं इन्होंने और इन्होंने द टर्म पोइटिक जस्टिस इन्होंने ही कोनाइड किया था तो ये छोटी छोटी जो बातें होती है ये इनके राइटर्स के बारे में हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये छोटे राइटर हैं तो इनके बारे में नहीं आएगा लेकिन इनके बारे में भी पूछा जाता है तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट बहुत सारा पढ़ने से अच्छा है कि हम वो पढ़ें जो हमारे काम का हो ठीक है तो ये इनका वर्क हम कर लेते हैं ही ट्रांसलेटेड ही ट्रांसलेटर रेनी रेपिन ट्रांसलेटेड ऑस्ट्री एरिस्टोटल इंटरेटाइज ऑफ पोइसी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल आई दर कैरेक्टर शुड बी आइडियलाइज और हीरो। ऑन द अदर साइड द कैरेक्टर शुड रिफ्लेक्ट हिज रियल कैरेक्टर एंड दिस इज सेड बाय एरिस्टोटल इन इंट्रेटाइज़ ऑफ पोइसी। इन्होंने बोला था एंड थॉमस रेमर ने बोला था इज द वर्ड हु कोन द टर्म पोइटिक जस्टिस इन्होंने ये टर्म पोइिक जस्टिस को कोनाइट किया था एंड इन्होंने बोला था गुड पीपल आर रिवॉर्डेड एंड इविल पीपल शुड बी पनिश्ड पोइटिक जस्टिस का मतलब होता है हमेशा गुड पीपल को रिवॉर्ड करो और जो इविल है उनको पनिश करो ठीक है तो यही इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है ये राइटिंग पूछ ली जाती है तो आपको ये याद रखना है इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा द टर्म पोइटिक जस्टिस व डिवाइज बाय द क्वेश्चन इज द टर्म पोइटिक जस्टिस

नेमली फ्रांसिस ब्योमोट एंड जॉन फ्लचर जो हमने करे हैं सारे तो जो राइटर्स हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसमें ट्रेजिडीज ऑफ द लास्ट एज में तो आपको याद रखना लास्ट एज मतलब इससे पहले की एज की बात कर रहे हैं तो कौन से राइटर्स पुराने राइटर्स ही होंगे तो ऑप्शन में हमें चूज करना होता है कि कौन से पहले आप शॉर्टकट क्या करो कि भाई हाँ कौन सा मुझे चूज़ करना है ओके तो इन्होंने लास्ट एज की बात करी है ट्रेड ऑफ लास्ट एज तो ये दोनों राइटर्स जो है फ्रांसिस ब्योमोट एंड जॉल फ्लेचर जो कोलाब्रेशन में लिखते थे इनके बारे में इनको क्रिटिसाइज़ किया है इस राइटिंग में एंड बिकॉज दिस टू राइटर्स बिकॉज दिस टू डि नॉट फॉलो द ब्लू प्रिंट ऑफ हाउ ए ट्रेजडी शुड बी रिटर्न दैट इज़ वाई ही इज़ क्रिटिसाइजिंग हिम तो वो बोल रहे हैं कि ये क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो जो ब्लू प्रिंट बना हुआ है कि कैसे हमें ट्रेजिडी लिखनी चाहिए वो उसको फॉलो नहीं कर रहे इसीलिए मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ओके तो ये इसमें ट्रेजडीज ऑफ लास्ट इज द नेक्स्ट राइटिंग इज़ ए शॉर्ट व्यू ऑफ़ ट्रेजडी ए शॉर्ट

तो ये इसमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं शेक्सपियर के ओथेलो को एंड सेज दैट इट इज़ ए ब्लडी फॉर्स ये कॉमिक प्ले है विथआउट सॉल्ट एंड फेवर तो इसमें जो नमक और चीनी कुछ भी नहीं है बोलते ना विथआउट सॉल्ट एंड फेवर इट डज नॉट टेस्ट गुड तो ये अच्छा नहीं लग रहा ओके तो इन्होंने ये, ये इसके बारे में शेक्सपियर की राइटिंग के बारे में बोला है तो कई बार पूछ लिया जाता है शेक्सपियर की राइटिंग में कौन से रेस्टोरेशन एज के राइटर ने ओथेलो को क्रिटिसाइज़ किया तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपको ये याद रखना है तो ट्रा ये शॉर्ट व्यू ऑफ़ ट्रेजेडी में इन्होंने शेक्सपियर की राइटिंग ओथेलो को क्रिटिसाइज किया है ओके तो ये था आज के हमारे फोर राइटर्स आज हमने एक ही वीडियो में फोर राइटर्स तो शॉर्ट फॉर्म में कर लिए हैं तो कल हम आगे के अपने राइटर्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल हम रेस्टोरेशन एज को कंप्लीट uh, कर लें ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे डेली के नोटिफिकेशन मिल जाए इससे क्या है मोटिवेशन मिलता है आप कमेंट करेंगे तो भी अच्छा लगेगा कि मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हैं नहीं देख रहे मुझे अभी तक ये ही नहीं पता कि मुझे कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा देख रहा है नहीं देख रहा तो वो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो प्लीज़ आप मेरी राइटिंग्स को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा बेल आइकन जरूर, जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे डेली के नोटिफिकेशन मिले और जो हमारा सिलेबस है डेली ऐसे ही कंटिन्यू हम इसको कवर करते रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव ए ग्रेट डे हैव ए नाइस डे